नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी दल जुट चुकी है, न्यौछावर कर चुकी है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी दल अपना शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में लग गए हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इसका ऐलान कर दिया है कि 28 नवंबर को गांधी मैदान में वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि उनकी पार्टी की स्थापना दिवस भी उसी दिन है। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी ऐलान कर दिया है कि गांधी मैदान में वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सीटों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, जितने भी दल है वो सभी चाह रही है कि अधिक से अधिक सीटें उन्हें मिले, उसको लेकर वो काफ़ी तैयारी भी कर रही है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए बिहार के सभी छोटे दलों ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। नवंबर में बिहार के दलित वोट बैंक पर दावा करने वाली दो पार्टियां रैली करने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से पटना के गांधी मैदान में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को रैली की जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी इसी महीने गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाएगी। बिहार में दलितों का वोट बैंक 16% के लगभग है। इस वोट बैंक पर जीतन राम मांझी के साथ ही चिराग पासवान की नजर है। बिहार में 6 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो आरक्षित सीट है। ये सीटें हैं सासाराम, गया, जमुई, हाजीपुर, गोपालगंज और समस्तीपुर। इसलिए जाहिर तौर पर इन सीटों पर दोनों लोजपा और हम पार्टी मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश करेगी। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन कहते हैं कि हमें अन्य पार्टियों की रैली से हमें कोई चैलेंज नहीं है, हमारे नेता का ग्राउंड पर जो असर है उसे किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारे नेता जीतन राम मांझी गरीबों के नेता है। वहीं आपको बताते चले कि लोजपा रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनित सिंह कहते हैं 28 नवंबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, गांधी मैदान में यह रैली होगी, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेंगे। हमारी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने उन लोगों की आवाज उठाई जो शोषित रहे, वंचित रहे, गरीब रहे। उनके पुत्र चिराग पासवान उस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। विनित सिंह कहते हैं कि गांधी मैदान में यह तय करेगा कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। ये कहना है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनित सिंह का। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता में ही ये ऐलान कर दिया था कि 28 नवंबर को वो शक्ति दिखाएंगे, अपना गांधी मैदान में प्रदर्शन करेंगे। और इसी बीच उन्होंने यह भी कहा था कि जितने लोगों को समस्या होगी उसका समाधान भी करेंगे। जीतन राम मांझी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो गरीबों के नेता हैं। बताते चले आपको कि इसी महीने हम के संरक्षक जीतन राम मांझी भी अपना गांधी मैदान में अपनी शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। तो क्या कुछ खबर था बताया मैंने आपको इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।